एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। ये वाली वीडियो डालूं कि नहीं डालूं बहुत चिंतित थी, बहुत सोच में पड़ गई थी कि मैं डालूं कि नहीं डालूं। फिर तो आज हम क्या बताएं आप सबको, मेरे स्वामी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, उसमें चल गए हम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद हमें पता चला कि हमको एक बॉटल चढ़ाना पड़ेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ पानी की कमी की वजह से। तो फ्रेंड्स, मौसम बहुत चेंज हो चुका है और आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें, ताकि आपको ऐसे हॉस्पिटल जाके ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए बॉटल शॉटल ना चढ़ाना पड़े। तो देखिए, यहाँ पे स्वामी जी मेरे लेटे हुए थे, उन्होंने बोला कि चलो बना दो। मैंने उनसे पूछा कि मैं बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, तो उन्होंने बोला बना दो, इट्स कॉमन है ना। और सच में हमें ना अपने बुरे दिन और अच्छे दिन दोनों को ही याद रखना चाहिए, भूलें ना कभी आप सब। तो मैं तो नहीं भूलती हूँ, आप सभी मत भूला कीजिए, क्योंकि जब हम अपने बुरे दिन को याद करते हैं ना, तो हमें एक अलर्टनेस मिलती है, हम अलर्ट हो जाते हैं कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा लेकर, है ना। यहाँ पे मेरे स्वामी को ये लग रहा था तो मुझे बड़ा पेन हो रहा था, मुझे उनको लग रही थी लेकिन मुझे पेन हो रहा था। तो ये संडे का दिन था। और एक और बात बताती हूँ आप सबको, ये होली के बाद की ब्लॉग नहीं है, अभी भी की ब्लॉग नहीं है, होली के कुछ दिन बाद की ब्लॉग है। जैसे ही हम घर से आए थे वैसे ही ये ब्लॉग बना था। मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि ननंद के आने के बाद में मेरा बर्थडे हुआ, और उसके बाद और भी एक एक दो दो ब्लॉग्स मैंने शेयर करे हैं शायद, इसके वजह से मैं ये वाला ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी। और ऐसा होता ना, जब स्थिति अच्छी नहीं रहती है तो ये वाला नहीं डालने का मन होता है, जब सब कुछ सही हो जाता है तो ऐसे ऐसे वीडियोज डाल सकते हैं, है ना। यही सोच के मैंने पोस्ट नहीं किया था वाली वीडियो को। उन्होंने बोला कि तुम लोग कुछ खाए नहीं हो, और सच में हम सुबह से नाश्ता ही किए थे और बज गया था 12, टाइम हो गया था खाना खाने का, और मैं खाना वाना बना के आई थी। हमने क्या सोचा था, हम ये सोच के गए थे कि हम बस जाएंगे और आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना पता था कि हमें होटल चढ़वाना पड़ेगा, ऐसा नहीं लगा था। लेकिन वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्या कुछ हुआ, क्योंकि बहुत क्या बोलना चाहिए, ये दिन बहुत अजीब था, नॉर्मल डे नहीं था ये, इसलिए आज शूट करके आप सबको शेयर कर रही हूँ। तो बस आप सबको बताने का यही है मतलब, कि आप सब भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं सोना बाबू का हाथ को, सोना बाबू के हाथ को तो देखो कैसे लग रहा है बेबी आपको। आप सब सोच रहे हो क्या ना कि इसके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी ये ब्लॉग आप लोग समझ सकते हो, जिनको जो समझना है। हमारे लिए एक एक मोमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, बड़ी प्लीज, और आप सबको शेयर करना भी तो जरूरी होता है। एकदम हेल्दी है, हमेशा अच्छे रहते हैं, हमेशा अच्छे ही रहे। बस थोड़ा पेट खराब था तो इसलिए हॉस्पिटल आ गए थे, और ये सब बॉटल वॉटल चढ़ेगा ये सब हमने सोचा भी नहीं था। खैर, हाँ छाव में रखना था ना। हाय, और पैदल ही चलते हैं ना। हाँ लगवाना है, लगवाना है, इनको पेन हो रहा है ना, तो ये क्या और इंजेक्शन लगवाएंगे ऐसा बोल रहे हैं। आज हमारा संडे हॉस्पिटल में बीत रहा है। ले बाबू आप जाओ, मैं चला नहीं पाऊंगा। चलो चलो पैदल चलते हैं, चलो। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, अभी बाइक नहीं चलाना, पैदल जाना है। चलो चलो, बॉडी एक्टिविटी होगी, अच्छा लगेगा आप लोग। चलो मैं तो नहीं जाऊंगी, आप लोग जाइए भैया, मैं आप लोग के साथ में नहीं जाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं अभी अभी इनका हाथ देख रहे हो बॉर्डर, हे भगवान आपका, वो निकला भी नहीं है जैसे बॉर्डर चढ़ाएं, और फिर भी ये लोग बाइक से जा रहे हैं। चलो पैदल बोल रही, तब भी बात को नहीं मान रहे कैसे भी मत जाए ना यार, पैदल चलते हैं ना आपको। चलो मैं नहीं बैठूंगी, मैं नहीं बैठूंगी, मैं नहीं बैठूंगी। अब फाइनली मुझे इनके साथ बैठना ही पड़ा, मजबूर कर देते हैं मुझे जीती लोग। थोड़ी एनर्जी आई हाँ, कि फिर से लग रही है। बड़ी ड्रिंक इट ऑल, जल्दी चलो उधर, ढूंढ रहे होंगे हम, है ना भाई।
जूस का टेस्ट तो इतना मजबूत है, उसे ऐसे खरे आई बड़ी नहीं चिल्लाते बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा चिल्लाओ तो ज़्यादा आवाज़ आती है। मेरी जान पाप लगेगा उनको, मैंने सारे को जान पहुँचाया, उन्होंने पाप लगेगा। आ कैसे किए पता है तुम, वो ना वो ढक्कन को नहीं खोलना है, सीधा खींच दीजिए, प्यार से भी खींचा जा सकता है, निकाला जा सकता है, बट निकालने वाले तो निकालेंगे ना फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है। लिफ्ट सिटर में नहीं आना चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। जी 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 हाँ जी, बुरा लगा है, मजा आया। सो फ्रेंड्स कितना नहीं था, कैसे करते हो अभी, कैसे कर दिया अभी, मेरा से निकाल देखिए, इस देश से मैं ही खींच के निकालूंगी, मैं बोल रही थी लेकिन हमको लोगों को दिखाना नहीं था ना आस पड़ोसों को। क्या हो गया क्या हो गया पूछते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता हमारे सिस्टम में। फाइनली जा रहे हैं फ्रेंड्स घर, और देखो कितनी रात हो गई है, कितनी शाम हो गई है, अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है बेबी, 6:30। फ्रेंड्स फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं, खाना भी मैं बना चुकी हूँ, क्या बनाई हूँ, रोटी ही बनाई हूँ फिलहाल, और ये करेला दोपहर की सब्जी थी और दाल भी बची हुई थी, तो मैंने और अलग से सब्जी नहीं बनाया है, सिर्फ टी बनाया है, टी बनाई हूँ और रोटी बनाई हूँ, और जिसको जिस भी चीज़ में अच्छा लगे वो खाए करके, इनको सिर्फ वो आम की चटनी में अच्छी लग रही है, देख सकते हैं आम की चटनी खा रहे हैं, थोड़ा सा खाइए बेबी बस, चटनी नाम से आपका मुँह ना थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। और मेरा बेटा दाल में खा रहा है और मैं चटनी के साथ बोलती हूँ, मैं चाय के साथ खाने वाली हूँ, तो मेरे बेटू भूख लग रही थी मेरी जान को, है ना बेटी, भूख लग रही थी बुढ़िया। तो ये देखो ये भी अच्छे हैं, अच्छा फील हो रहा है ना बेबी आपको, है ना। बस अब कल एक दिन दो दिन जो टैबलेट दिए हुए हैं ना वो खा लेंगे, और सिरप जो दिए हैं वो पियेंगे, और इसके बाद में मेरे स्वामी ठीक हो जाएंगे, और अब ना थोड़ा प्रिक्वेशंस करना, मतलब देखो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आप ना परहेज ही करते रहो, आप खाओ पियो लेकिन कुछ परहेज करना ज़रूरी ही है, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं तो, और सच में हमें डॉक्टर से जितना दूर हो सके ना उतना ही अच्छा है भैया, डॉक्टर हॉस्पिटल इन सबसे दूर रहोगे वही अच्छा है, तो कोशिश कीजिएगा आप सबकी हॉस्पिटल डॉक्टर्स, चाहे डॉक्टर्स गाँव के हो या फिर बाहर के हो, मेडिकल वाले सबसे दूर ही रहे, ऐसा थोड़ा ख्याल रखें खुद का, क्योंकि खुद का ख्याल खुद ही रखना है, किसी कोई और दूसरा नहीं रख सकता, हम तो इतने छोटे बच्चे हैं नहीं कि हमारे मम्मी पापा हमारा ख्याल रखें, राइट। अब मेरे बेटे की उम्र की थोड़ी ना है हम लोग कि, है ना बेटी, कि मैं ख्याल रखती हूँ इसका, इसका इसका हेल्थ तो मेरे ही हाथ में है ना बेटा, मेरे और इनके हाथ में है, मेरे बेटों का हेल्थ ना इनके हाथ और मेरे हाथ में है, और मेरा बच्चा तो बच्चा ही है ना छोटा सा, वो थोड़ी जान रहा है क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो फिलहाल मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बातें करूँगी तो गैर बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, और दुआ कीजिएगा मेरे स्वामी जल्दी से ठीक हो जाएं, वैसे ठीक ही हैं लेकिन फिर भी टैबलेट वबलेट को खा पाएँ और अच्छे से फिट हो जाएँ, और कभी हॉस्पिटल ना जाना पड़े हम तीनों को, और किसी को भी, हम सबको किसी को भी ना जाना पड़े, हम सबको बोल रही हूँ, आप भी इंक्लूड हैं इसमें। तो ओके फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो पे, आप सभी को जय श्री कृष्णा, बाय एवरीवन, गुड नाइट, से गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।